टाइम पहले की बात है, मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होती थी, बाहर घूमने जाती थी, शौक से सैर करने जाती थी। लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी तैयार होने को दिल नहीं करता, आईब्रोज कुछ भी, लैशेज वगैरह कुछ भी लगाने को दिल नहीं करता। उसकी भी एक रीज़न थी क्योंकि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, मेरे 2 किड्स जो उनसे हैं मेरे लॉस्ट हो गए, मतलब कि अल्लाह के पास जा चुके। उसके बाद मेरा दिल नहीं करता आज तक तैयार होने को, और अब तो बिल्कुल भी नहीं दिल करता मेरा कुछ भी करने को। चैनल वैसे बनाया हुआ अपना दिल लगाने के लिए, क्योंकि कहीं तो अपना दिल लगाना होता हमने। मुझे पता है काफ़ी लोग मजाक भी बनाते होंगे कि ये हिजाब करके या फिर ऐसे ही अपनी बोरिंग वीडियोस डालती है, ये जो भी है, बट एवर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। या कहते होंगे ये दूसरों के साथ तैयार होकर नहीं डालती हैं ये वो। मास्क भी मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती, अब मेरा दिल नहीं करता। तो बस यही कहूँगी, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने तो ले ली, लेकिन कोई ऐसी मदर्स का दर्द नहीं समझ सकता जो जिंदा होती हैं और उनके बेबी अल्लाह के पास होते हैं। तो बस इतना कहूँगी कि अल्लाह सब्र दे ऐसी और भी जितनी फीमेल्स हैं जिनके बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं, तो ये काम बहुत बड़ा होता है, खास करके उस तौर पे जब आपने काफ़ी टाइम इनफर्टिलिटी केस डील किया हो, मतलब कि बेऔलादी, उसके बाद आपको फिर बच्चा मिला हो और फिर वो आपसे ले लिया गया हो। मेरा दुख भी सेम ऐसा ही था, तो मेरा दुख मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो आप सब मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक एक तो मुझे सब्र और हिम्मत दे, आमीन, और दूसरी बात ये कि दोबारा से मुझे ज़िंदगी वाले बच्चे दे, आमीन।